90s से शुरू होकर आज तक आती है, मतलब 90s में जो हुआ वहाँ पर, जो नरसंहार हुआ वहाँ पर, जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ वहाँ से लेकर के आज तक का जो राजनीतिक माहौल रहा, जो सामाजिक माहौल रहा, और वहाँ से जो निष्कासित किए हुए लोग आज किन परिस्थितियों में हैं, ये कहानी हमारी श्रीनगर से शुरू होकर के और आज के परिवेश तक आती है और ये बताती है कि धर्म से बड़ा, जाति से बड़ा इंसानियत है। और मेरे ख्याल से अगर हम इंसान बनकर पैदा हुए हैं तो सबसे पहले हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये फिल्म मैंने कश्मीर के रियल लोकेशन पर शूट किया है और शायद आपको ये बताने में मुझे ज़रा सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि मैंने बिना किसी सुरक्षा के वहाँ पर 50 लोगों के क्रू को लेकर के इस फिल्म को शूट किया और वो सारे एरियाज़ हमने कवर किए जो आतंकवाद से प्रभावित थे, चाहे अनंतनाग, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और श्रीनगर। मतलब मुझे, मेरी फिल्म के लिए जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो हमने और हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से और ये कह सकते हैं कि बहुत सारे खतरों को उठा करके हम लोगों ने इस फिल्म को वहाँ पर शूट किया है। उसके साथ साथ बनारस में फिल्म शूट हुई है हमारी 30% और लखनऊ और उसके आसपास, मतलब 6 से 7 शेड्यूल में हमारे हम कर रहे हैं। वो आज हमारे यूथ को पता चलता है कि श्रीनगर की फिल्म के माध्यम से कि हमारे उन कश्मीरी पंडितों भाइयों की, उन बहन बेटियों की, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ कुछ फिल्म के माध्यम से पता चला, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो हम अक्सर उन चीज़ों का विरोध करते हैं जो हमारे साथ गलत दिखाते हैं, और जैसे आपने पद्मावत फिल्म में देखा ही था, उससे क्या निभा रहे हैं। सर ने जब इस फिल्म के बारे में बताया कि मुझे कश्मीरी पंडितों की बेस पे फिल्म बनानी है, तो फिल्म का नाम पहले कुछ और रखा गया था लेकिन नाम चेंज कर दिया, फिर श्रीनगर किया। तो उस दौरान कास्टिंग के दौरान काफ़ी मेहनत कराई और मैंने की जी, किया और एक नए लड़के का विक्की विकास करके उसका डेब्यू हो रहा है इस फिल्म से, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट निभा रहा है। और ये श्रावणी जी इसमें मेन भूमिका प्ले कर रही हैं और ये दिव्यांशी हैं। सनोज मिश्रा जी डायरेक्टर हैं, करनी सेना के प्रेसिडेंट सुरजीत जी बैठे हुए हैं और दीपक जी प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे आज 23 फरवरी 2020, आज ये मेरी कास्टिंग एजेंसी का पहला दिन है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये टीम के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। और मेरी जर्नी यही है कि मैंने जो पहले जितनी फिल्में की मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब जो रिलीज होने वाली हैं मैं उनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे इसी में खुशी है जो अब मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ। इसमें जो मेरा किरदार है वो शायरा का है और वो एक मुस्लिम कैरेक्टर है। तो जब ये देश के हालात अभी ऐसे हो गए, लेकिन हमारी फिल्मिंग आज से 2-3 साल पहले ही शुरू हुई थी, तो उस वक्त कुछ आइडिया नहीं था कि जिस वक्त हम रिलीज़ करने वाले होंगे उस समय ऐसी सिचुएशन क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, जब मुझे बुलाया गया था ऑडिशन के लिए, जब मैं सर से मिली थी, तब मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ दिया गया था और उसी को मुझे इनैक्ट करके बताना था, तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे एक आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, जो आना चाहता है, उसको हमेशा ये भूख होती है कि उसको ऐसा किरदार मिले जहाँ पे वो मैक्सिमम अपना पोटेंशियल साबित कर सके, चैलेंजिंग रोल्स जिसमें उसको अभिव्यक्त करने का मौका मिले। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी नहीं भी नहीं है वो कहानियाँ जब हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं इतना डीपली, शायद वो जाने से भी डरते हैं कि जो एक वहाँ की फीमेल्स ने, जो उनके बच्चे भी होते हैं, फीमेल्स को बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती हैं, देन ये सब इश्यूज चल रहे हैं, तो कितना स्ट्रांगली उन लोगों ने उन चीज़ों को फेस करा है, कितनी सारी एक साथ चीज़ें उनके ऊपर आई हैं, तब वो लोग स्टैंड हुए हैं, तब उन लोगों ने जो भी उनकी सिचुएशंस रही हैं उसको फेस करा है। तो जो भी मेरा कैरेक्टर है, इट्स अ वेरी एक असलियत में क्या हुआ है वहाँ फीमेल के साथ, वो दिखाने की हमने कोशिश करी है। पूरा जस्टिफाई कर रहा है वो पूरे फैक्ट, जैसे उन्होंने बोला बायस नहीं है, क्योंकि हम बायस्ड, हम फैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम सब दुनिया के सामने सच्चाई आना चाहते हैं कि ये सब हुआ। हम सर का बहुत, सब लोगों ने, जिन लोगों ने इसका स्टोरी की नींव रखी है या फिर इसको आगे लाना चाहा है, सच में हैट्स ऑफ, क्योंकि आजकल सब लोग डरते हैं इन चीज़ों को बाहर लाने के लिए कि कहीं दंगे ना हो जाए, ये ना हो जाए, हम लोग पे ही बात आएगी। बट जिस सच्चाई से इन लोगों ने इस चीज़ को रखा है, कैरेक्टर्स को बिल्ड करा है, मेरा बिकॉज आज के डेट में 90s में क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ में, वो भुला दिया गया, नहीं पता है लोगों को। क्यों नहीं पता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास ये मोबाइल है आज की डेट, उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, हम वीडियो नहीं बना सकते थे, हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे, हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था जैसे आज की डेट में। आज की डेट में सॉरी टू से बट इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, तैमूर की चड्डी किस कलर की है वो पता होगा सबको, लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ था वो हर एक मीडिया, हर एक न्यूज़ चैनल पर आएगा।
लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था वो किसी को भी नहीं पता होगा। तो एक जस्ट ये है कि हमारा कोई किसी धर्म को लेके हम अंगेज में नहीं जा रहे हैं उसके, जस्ट एक फैक्ट हुआ क्या था वो आज की जनरेशन को